हाँ पांच गल्लां जरूर याद रखो। नंबर एक, जिंदगी विच जो गल्लां खाली पेट या खाली जेब सिखा दिंदी है और कोई नहीं सिखा सकता। नंबर दो, किन्नी महंगी गड्डी विच घूमो, अंतिम सफर तां अर्थी विच ही होवेगा। नंबर तीन, जिंदगी विच पैसे दे नाल नाल इज्जत भी कमाओ, क्योंकि शमशान घर विच पैसा नहीं, चार लोग ही जाणगे। नंबर चार, हसना सीखो, क्योंकि रोना तो जिंदगी जन्म समय ही सिखा दिंदी है। नंबर पांच, बस अपने हाथ विच जिंदगी रोको, दूजियां दे कदमां विच डिगना नहीं पवेगा। आ तीन गल्लां सारे याद रखो। नंबर एक, जदों तुसी जवान हो तो बजुर्गां दा सत्कार करो। नंबर दो, जेकर तुसी मजबूत हो तो कमजोर की मदद करो। नंबर तीन, जदों तुसी गलत हो तो अपनी गलती स्वीकार करो, गलती मनन नाल कोई छोटा नहीं हो जाता। घर विच लड़ाई दे छे मुख कारण। नंबर एक, जिस परिवार विच घर दे मुख दरवाजे कोल जुत्तियां ते चप्पलां दा ढेर लगा होवे, उस घर विच हमेशा लड़ाई झगड़े हुंदे रहिंदे हन। नंबर दो, जिस घर च रोजाना सवेरे शाम रब दी पाठ या पूजा नहीं हुंदी, उस घर च हमेशा नकारात्मक ऊर्जा दा प्रभाव रहिंदा है, जिस कारण हमेशा लड़ाई झगड़े हुंदे रहिंदे हन। नंबर तीन, घर दी चंगी तरह सफाई ना करन नाल घर विच नकारात्मक ऊर्जा रहिंदी है, जिस कारण घर विच तनाव दी स्थिति पैदा हो जांदी है। नंबर चार, जेकर परिवार दे किसी भी मैंबर दी कुंडली च छेवें घर दा मालक मंगल है तां परिवार च हमेशा लड़ाई झगड़े हुंदे रहिंदे हन। नंबर पांच, जेकर घर च वस्तु नुक्स है तां इह नुक्स घर च लड़ाई झगड़े दा कारण भी बनदा है। नंबर छे, जेकर घर दे दक्षण दिशा या दक्षण सिरे च गंदगी या सलाब होवे तां घर च हमेशा लड़ाई झगड़े हुंदे रहिंदे हन। इह तत्थ शास्त्रां विचों लए गए हन। इन्हां छोटियां छोटियां गल्लां दा असर साडी जिंदगी विच बहुत पैंदा है। इन्हां च बदलाव करके असीं अपनी जिंदगी कुछ सुखाली बना सकदे हां। जेकर तुहानूं साडियां वीडियोज़ वधिया लगदियां नहीं तां वीडियो नूं ज़्यादा तो ज़्यादा लाइक शेयर ते चैनल नूं सबसक्राइब करना बिल्कुल भी ना भुल्लियो।